देखे हर चाची देखे हर दादा देखे हर दादी देखे हर नाना देखे नानी देखे भैया देखे भाभी देखे और देखे दूल्हा दुल्हनिया घुंगड़े की दुनिया घुंगड़े की दुनिया घुंगड़े की दुनिया घुंगड़े की दुनिया। दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है आरआरसी डिजिटल प्रस्तुत घुंगड़े की दुनिया कॉमेडी का छोटा रिचार्ज। दोस्तों जीवन में हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा देता रहता है। किसी को कोई किताब प्रेरणा देती है, किसी को कोई महापुरुष प्रेरणा देता है, तो किसी को उसके ही जीवन में घटी कोई घटना प्रेरणा देती है। एक बात आज आपके सामने मैं ऐसी लेकर आ रहा हूँ जो सदियों से हमें प्रेरणा दे रही है, वो हमारे आसपास हर गाँव में मौजूद है, लेकिन हमें जिसकी कोई खबर नहीं है। सचमुच उसका नाम है गड्ढा। जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। गड्ढा जितना मोटिवेशन आपको देता है उतनी कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं करती। चलो आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं प्रूव कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, गड्ढा आसमान से गिरता है ना? गड्ढों की बारिश होती है ना? गड्ढों का कोई हम बीज बोते हैं ना? गड्ढों का कोई बड़ा खानदान होता है कि फला फला फैमिली का गड्ढा? पुश्तों से ये गड्ढे चले आ रहे हैं, ऐसा कभी होता है ना? गड्ढा खुद ब खुद अपना वजूद तैयार करता है, पहले छोटा सा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा करते करते गड्ढा इतना बड़ा हो जाता है कि कुछ दिन बाद रास्ते का वजूद ही मिट जाता है, केवल गड्ढा वहां मौजूद होता है। दोस्तों जीवन में हमें जब भी कोई रुकावट आती है तो हम हमेशा बहानेबाजी करते हैं, या हमारी असफलता के पीछे हम कुछ न कुछ बहाने करते रहते हैं, बहाने बताते रहते हैं। जैसे कि मैं बड़े खानदान से नहीं हूं, मेरे पिताजी ने हमारे लिए कुछ पैसा कमा के नहीं छोड़ा, मैं यार बड़े परिवार से नहीं हूं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा कलर अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। एक नहीं दो नहीं हजारों बहाने हम लोग बताते हैं अपनी असफलता छिपाने के लिए, लेकिन गड्ढा कभी कोई बहाना नहीं बताता। वो चाहे सीमेंट की सड़क हो, चाहे तारकोल की सड़क हो, चाहे कच्ची सड़क हो, गड्ढा कहीं पे भी आपको मौजूद नजर आता है। गड्ढा कहीं पे भी अपना अस्तित्व बनाता है। गड्ढा ये कभी नहीं कहता है कि यार ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे क्यों आऊं, या ये जरा बड़ा गांव है यार, यहाँ पे कैसे क्या जाना ना। चाहे छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, चाहे महानगर हो, हर कहीं आपको गड्ढा नजर आएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब कभी हम असफल होते हैं या किसी काम में हमें असफलता हासिल होती है तो हम हिम्मत हार जाते हैं, हम वो काम फिर से नहीं करते या डर जाते हैं, लेकिन गड्ढा ऐसा कभी नहीं करता। गड्ढों को मिटाने की लाखों कोशिशें की गई हैं, कई सालों से कई तरह से गड्ढे मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन गड्ढे मिटे नहीं है। मानो टर्मिनेटर फिल्म में जिस तरह से टर्मिनेटर कहता है कि आई विल बी बैक और पिक्चर की सीक्वल में वो हाजिर होता है, उसी तरह गड्ढों को आप मिटाने की कितनी भी कोशिश करो, गड्ढा वापस आपके सामने मौजूद होता है। दूसरा, गड्ढे की और एक बात आपको बताता हूं, गड्ढा हमेशा फैमिली वाली फीलिंग देता है। अब ये भी मजाक नहीं है, आप देखिए घर के बाहर निकलते हैं तो गड्ढा, ठीक है, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए आपको गड्ढे नजर आएंगे। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि आप गांव छोड़कर दूसरे गांव में आ गए हो, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा देश आपका शहरी है, या ऐसा लगेगा कि घर से रास्ते पे निकले हो, या फिर लगेगा कि रास्ते से घर में आ गए हो, एवरीवेयर गड्ढे हैं, तो गड्ढा आपको फैमिली वाली फीलिंग देता है। दूसरी एक बात, गड्ढा आपको क्रिएटिविटी सिखाता है। ना ना ये भी जोक नहीं है, सच में आपने कभी किसी गड्ढे को दूसरे गड्ढे के जैसा देखा है ना? हर गड्ढे का इंडिविजुअल डिजाइन होता है, हर गड्ढा अलग अलग होता है। कोई सड़क के किनारे किनारे आते हैं तो कोई सड़क के बीच में आते हैं, कोई बुद्धिजीवियों सा गहरा होता है तो कोई आम आदमी सा सतही होता है, कोई आता है झुंड में सुअर की तरह तो कोई आता है शेर की तरह अकेला। गड्ढा कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते, गड्ढे हमेशा ओरिजिनल होते हैं। दूसरी एक बात दोस्तों, गड्ढा कभी भेदभाव नहीं करता, गड्ढा कभी पार्शलिटी नहीं करता। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गड्ढे में अमीर गिरा उसे खरोच आई, गड्ढे में गरीब गिरा और उसकी टांग टूटी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गड्ढे में मर्द गिरा तो उसे सिर्फ खरोच आई, औरत गिरी तो उसकी टांग टूटी, लड़का गिरा तो खरोच आई, लड़की गिरी तो टांग टूटी। ऐसा कभी नहीं होता गोरा गिरा तो खरोच आई, काला गिरा तो टांग टूटी।
गड्ढा कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता, सबके साथ एक सा न्याय गड्ढा रखता है, चाहे अमीर गिरे, गरीब गिरे, काला गिरे, गोरा गिरे, टांग टूटना तय। दूसरी एक बात, गड्ढा हमेशा जोड़ने का काम करता है। आप यदि सड़क पर गिरते हैं, गड्ढे में से गाड़ी उछलकर आप यदि गिरते हैं, तो 10-15 लोग आसपास के आपके सामने आ जाते हैं, कोई आपको पानी पिलाता है, कोई आपको अस्पताल पहुंचाता है, कोई आपकी बाइक उठाता है, कोई आपकी पीठ थपथपाता है। अगर वो गिरने वाली हो तो फिर तो इंसानियत का सैलाब आ जाता है। 15-20 क्या, वहाँ 50-100 लोग जमा हो जाते हैं। ये गड्ढा जोड़ने का भी काम करता है। तो इतनी सारी बातों के जरिए गड्ढा आपको रोज मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम उससे कभी मोटिवेट नहीं होते। अभी घोंगड़े की दुनिया से निकलते ही घर के आसपास जो भी कोई खड्डा आपको मौजूद नजर आए, उसका तिलक कीजिए, उसका चरण स्पर्श कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए और देखते रहिए RRC डिजिटल प्रस्तुत घोंगड़े की दुनिया, कॉमेडी का छोटा रिचार्ज। घोंगड़े की दुनिया, घोंगड़े की दुनिया।